नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया, मैं ये जो आपके लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे 12th पास के जो स्टूडेंट हैं जिनको आप ड्रॉपर बैच भी कहते हो, ड्रॉपर्स बैच के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, जनवरी में निकल गया, निकलना तो था ही, ठीक है जी। और बेसिकली कुछ लोग अच्छा हुआ, कुछ लोग अच्छा नहीं हुआ, आपको इस बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि आप देखो, आपने जब तैयारी शुरू करी, आपने करी तकरीबन अगस्त से तैयारी शुरू करी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको सिर्फ 5 महीने मिले, ठीक है। बात सही है कि आप लास्ट ईयर से भी तैयारी कर रहे थे, उससे 11 से भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने जो फ्रेश एक गार्ड लेके तैयारी करनी शुरू करी, वो तो आपको सिर्फ 5-6 महीने ही मिले। तो इसलिए ये आपका जो पेपर था, इससे कोई आपको जजमेंट नहीं लेनी है। अगर आपका पेपर ये 200 नंबर प्लस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, चलो भाई कुछ जाओ एडवांस एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आपका पेपर ये पीछे हुआ है, 150 पे आया है, 120 पे आया है, 170 पे आया है, तो इससे पता लग रहा है कि आपकी एबिलिटी चेक नहीं हो रही, इससे पता लग रहा है सिलेबस खत्म नहीं हुआ था आपका। और नेचुरली सिलेबस 5-6 महीने में कैसे हो जाएगा? तो प्लीज मैं बता रहा हूँ आपको यार, किसी बच्चे को भी ना कोई मायूस नहीं होना है, कोई मतलब एंथुजियाज्म में कमी नहीं छोड़नी है अपनी, ठीक है जी, कि यार भैया पेपर खराब हो गया मेरा, पिछली बार पेपर खराब हुआ था, इस बार एक और पेपर खराब हो गया, यार ये क्या हो रहा है यार। अरे यार, सिर्फ सिलेबस तैयारी नहीं हुई थी, पिछली बार पेपर इसलिए खराब हुआ था आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। पिछली बार तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इस बार आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट थी, एक फिनिशिंग टच नहीं हुआ था। सब लोगों ने, हमने रिव्यू टेस्ट डाले, सब लोगों ने पुराने पेपर दोबारा अच्छे से नहीं किए, सब लोगों ने मॉक टेस्ट भी सबने अच्छे से नहीं किए। तो आप समझो, पहले अपनी लिमिटेशन को समझो, अगर लिमिटेशन को नहीं समझोगे तो फिर आप परेशान होना शुरू हो जाओगे यार, क्या यार, दिस इज नॉट गुड यार, ठीक है जी। आप देखो, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ ना होती तो लास्ट ईयर ही आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते, या कहीं ना कहीं किसी इंजीनियरिंग छोटी मोटी कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर रहे होते, आप डिटरमिन्ड बचते हो। तो इससे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है कि जेई मेंस अच्छा हुआ खराब हुआ। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, एडवांस में लग जाओ और अप्रैल में जाके और स्कोर को इम्प्रूव कर लो। लेकिन मेरी जो मेन अभी एड्रेस कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ उन लोगों से जो थोड़े से मायूस हो गए हैं, जिनकी एंथुसियाज्म कम हो गई है कि भैया एक बार पेपर और खराब हो गया यार, ये भैया क्या होगा, क्या हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? नहीं 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 नहीं, आपने तैयारी पूरी नहीं की थी। कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में तैयारी करके सिलेबस कम्प्लीट किया, कुछ लोगों ने क्या करा, जितना सिलेबस ढंग से पढ़ाया गया उसी को आपने ढंग से किया, तो आपका सिलेबस पूरा कम्प्लीट नहीं था। तो कोई बात नहीं, तो आप बैठ जाओ एक बार, अपने पेपर को निकाल लो। जब पेपर एनटीए आपको पेपर दे देगा, 3-4-5 दिन में पेपर ये आ जाएगा, आपके अकाउंट पे आ जाएगा, एनटीए की साइट पे आ जाएगा, तो उसमें जाके आप देखो अपने जो पेपर किया था कि भाई इसमें क्या कमी थी, अपना टॉपिक वाइज उसका बनाओ, सारे टॉपिक ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 75 क्वेश्चन का एक चार्ट बना लो, एक्सेल शीट बना लो, टॉपिक लिखो कौन सा क्वेश्चन हुआ, कौन सा ठीक हुआ। इसी तरह से क्या करो, जो बाकी 5 पेपर हैं वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, एनटीए ने सपोर्ट दे ही देगी सारे पेपर, उनको पेपर को करो नेक्स्ट वीक के अंदर, यही टारगेट बनाओ। जैसे पेपर आ जाए बेशक 10 डेज ले लो, क्योंकि टाइम हमारे पास है माई फ्रेंड्स, टाइम इज विद इज योर साइड। अगर आप 12th के बच्चे होते, टाइम आपके पास नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक बोर्ड के एग्जाम का एक तनाव होता या एक प्रेशर होता कि तैयारी करनी है। आपके पास अभी 20 दिन बचे हैं जनवरी के अंदर, 30 दिन बचे हैं, माशाल्लाह इस बार क्या है कि आपका 30 दिन है फरवरी के अंदर लीप ईयर आ रहा है, ठीक है, 20 दिन ये हो गए, और उसके बाद मार्च के अंदर आपका 31, आप समझो सही आपके पास कितने दिन हो गए, ये 81 डेज बचे हैं। आप समझो 3 अप्रैल से आपका एग्जाम होगा, तो यू हैव एम्पल टाइम, टाइम इज योर साइड। आपके जो दूसरे जो अभी प्रतिद्वंदी हैं, जो राइवल्स कह लो 12th पास वाले, उनके पास टाइम कम है, क्योंकि उनके पास अभी प्रैक्टिकल भी होने हैं, उनके बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं। तो आप समझो, नेचर इज विद यू, टाइम इज विद यू, तो पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट 10 डेज में 5 पेपर वो जो आपने नहीं दिए, 1 पेपर वो जो आपने दिया, इन 6 पेपर को करके रीअटेम्प्ट करके एनालिसिस निकालो कि मेरी क्या कमी, सिलेबस वाइज मिस्टेक हुई, या जिस चीज़ में मैं स्ट्रांग था वो भी गलत हो गया, जिस चीज़ में वीक था वो भी ठीक हो गया, तो कुछ इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको टेबुलेट करो। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टेबुलेट करो, क्योंकि जितनी देर परेशान हो गए आप, एक दिन परेशान हो लिए बहुत हो गया यार,
जिनका 7 को पेपर हुआ होगा परेशान हो लिए, जिनका 8 को वही परेशान हो लिए, उनको वो उस 7 वाले को तो 2 दिन मिल गए, 8 वाले को 1 दिन मिल गया, 9 वाले को आज 10 तारीख को ये वीडियो आपके अकाउंट में डाली जा रही है, आपको 1 दिन मिल गया। जाओ जाके पिक्चर देखाओ, तानाजी नाम की पिक्चर देखाओ, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए वॉरियर, ठीक है जी, अच्छा रहेगा। कल ब्रेक ले लो और फिर अपना 12 तारीख से बैठ जाओ पेपर को लेके, क्या कमी हुई क्या नहीं हुई, कैसे सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है जी। देखो ओनली फूल्स क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कहावत है नहीं है मतलब, ठीक है जी। तो यहाँ बेवकूफ मत बनो, बी करेजियस, प्लीज बिलीव मी, बी करेजियस। जो है वर्ल्ड बिलोंग्स टू ओनली जिसे कहते हैं फियरलेस पीपल, ठीक है जी। बैठो देखो क्या हो सकता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या चीज़ है, अगर जिन लोगों ने, मैंने बच्चों से बात करी है, क्या ऑब्जर्वेशन ली है मैंने उसमें केमिस्ट्री में, जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से किया था उनका केमिस्ट्री पेपर अच्छा हुआ है। तो आपको क्या करो, जो आपको इतने दिन बचे हैं 11th 12th की एनसीईआरटी सारी कर डालो, पहले इनऑर्गेनिक शुरू करो, फिर फिजिकल शुरू करो, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आसान होती है, इसको कर डालो। फिजिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक की बात करो, फिजिक्स में क्या कर डालो, जो मेंस के चैप्टर होते हैं स्पेशली जो एडवांस में नहीं आते उनको एनसीईआरटी से कर डालो। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के एग्जाम्पलर मैंने फाइनल स्टेप ए बी में डाले हुए हैं, जिन लोगों के पास नहीं है फाइनल स्टेप ए बी हमारे विद्यामंदिर के स्टूडेंट वो कलेक्ट कर लो, और बाकी सब लोग जो विद्यामंदिर के नहीं है वो एग्जाम्पलर कर लो, फिजिक्स का एग्जाम्पल कर लो, सबके सब बच्चे उठा के जो है सारी सारी तैयारी हो जाएगी जेई मेंस की, फिजिक्स का एग्जाम्पल कर लो और एनसीईआरटी से सिर्फ वही चैप्टर कर लो जो जेई मेंस में एक्सक्लूसिव आते हैं, समझ आ रही है आपके पास जो है, ठीक है जी। और क्या करो, जो पिछली बार बच्चे तैयारी की कमी की वजह से मेंस के आर्काइव नहीं कर पाए थे अच्छे से, उनको कर लो। हमने बच्चों के अकाउंट में रिव्यू टेस्ट बना के मेंस के 19 के पेपर डाल रखे हैं हमने, 20 पेपर 16 पेपर डाले हैं हमने 2019 को कन्वर्ट करके, 4 पेपर डाले हमने अपने उनके पैटर्न में बना के, ये मैं 12th पास के बच्चों से कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सब पेपर ये नहीं किए होंगे, जिन्होंने किए होंगे उनका पेपर तो अच्छा हुआ होगा, वो एडवांस से फोकस करेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो एडवांस से फोकस करेंगे। एडवांस से फोकस कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, एडवांस आर्काइव क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जो भी आपके बुकलेट्स होंगी जो वर्कबुक होंगी उस पर फोकस करेंगे, एडवांस के आर्काइव फोकस करेंगे। एडवांस के आर्काइव करने से एडवांस की तैयारी तो अच्छी होगी होगी, बाकी लोग भी कर सकते हैं जिनका जेई में अच्छा नहीं हुआ, क्यों एडवांस आर्काइव करने से क्या होता है, माइंड ओपन होता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इनोवेटिव होते हैं, क्वेश्चन थोड़े थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं, थिंकिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, समझ आ रही है आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए क्या करेंगे, आपका जो है कि एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं होती है, जेई मेंस के पुराने पेपर करके रोजाना आपके पास जो मटेरियल होगा उसके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। 11th के टॉपिकों के अंदर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करेंगे, चाहे कॉनिक सेक्शन होगा चाहे स्ट्रेट लाइन होगा सर्कल होगा, ठीक है जी। बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से करेंगे, टॉपिक के नाम दिला रहा हूँ मैं आपको जो है, ठीक है जी। प्रोग्रेशंस को अच्छे से करेंगे, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। जो आपके सेट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इनको करें, कैलकुलस तो आपका सबका स्ट्रॉन्ग होता ही है, ये मैंने मैथमेटिक्स के स्पेशली कुछ टॉपिक आपको फोकस में किए, समझने की कोशिश कर रहे हो, एक रोला नहीं पाएंगे, स्ट्रेस नहीं पालेंगे और जनवरी मेंस से आगे बढ़ेंगे, वहां पे रुक नहीं जाएंगे मील का पत्थर बना के, समझ रहे हो बात को मतलब, कर रहे हो ठीक है। अगर ये सब चीजों में पढ़ना है तो फिर क्या फायदा यार, क्योंकि अभी तो आगे बहुत एग्जाम है, ये तो पहला हर्डल क्रॉस हुआ है, अभी तो जेई मेंस का एग्जाम देना है, अब कुछ और प्राइवेट एग्जाम देने हैं और अल्टीमेटली एडवांस देना है। एक और मैं बात बताऊं, जिन लोगों का पेपर थोड़ा ज्यादा खराब हो गया है, ठीक है जी, उन लोगों को ना थोड़ा सा अपना मन एडवांस से हटा के मेंस से फोकस करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अगर आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, अगर आईटी नहीं है किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप रेस्पेक्टेबल ब्रांच कर लेते हो तो लाइफ बन जाती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चा मेरे को एक मैसेज कर रहा है कि मेरा तो जी 100 नंबर भी नहीं आएंगे, मेरे तो हो सकता है 50-75 नंबर आएंगे, लेकिन मुझे वही एडवांस में जाना है, मुझे एडवांस में जाना है, ये क्या गाना गाया जा रहा है एडवांस में जाना है यार, कि मैंने 1 साल ड्रॉप करी है, तो देख तो सही बेटा क्या कमी है तेरी जो है आपकी, जो अब तेरे यहाँ 50 नंबर आ रहे हैं 70 नंबर आ रहे हैं, तेरी तैयारी पूरी है नहीं, तो एडवांस में गाना गाया जा रहा है यार, दिस इज नॉट गुड, कि मैंने तो 1 साल ड्रॉप किया था एडवांस के हिसाब से, जो ऐसे नहीं होता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है। 12th पास के लोगों को अपनी बहुत विजडम को एक्टिवेट करके डिसीजन लेने चाहिए कि पहले मुझे जनवरी मेंस बहुत स्ट्रांग करना है, उसके बाद मेरे को तकरीबन 30 से 35 दिन मिलेंगे जिसमें एडवांस की तैयारी को बहुत अच्छे से मैं बेटर कर सकता हूँ। तो आपको मेरी बात समझ आ गई है क्या करना है आपको, जो 12th पास वाले बच्चों, एक तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, मम्मी डैडी परेशान हो सकते हैं आपके जो है ये कोई पेपर खराब हो गया, उनकी बात को दिल पे नहीं लेना है। हम भी टीचर आपको कह सकते हैं यार बच्चे क्या कर रहे हो यार तुमको क्या करोगे, आपको दिल पे नहीं लेना है, आपको सिर्फ विजडम से ध्यान रखना है, क्या मेरी कमी हुई है, क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट रहे हैं इस पेपर में, क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट को तेजी से उड़ा देना है, पॉजिटिव पॉइंट को इकट्ठा करके समेट लेना है और उन पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है और आगे बढ़ना है।
आई होप मेरा मैसेज क्लियर है आपको जो है। पहली बात फिर रिपीट करूं, परेशान नहीं होना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट कई बार कामयाब हो जाता है, एक्सपेरिमेंट कई बार कामयाब नहीं भी होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की लर्निंग करके हम अप्रैल के एग्जाम को बहुत अच्छे से करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? जो टाइम कितना बड़ा कीमती फैक्टर होता है, टाइम आपके फेवर में है इस टाइम जो है। ठीक है जी, सिलेबस कोशिश करो, सब जगह जहाँ पढ़ रहे होंगे हम भी अपने बच्चों को सिलेबस सारा 30 जनवरी तक पूरा एक बार समेट देंगे अच्छे से। फिर हमारा फरवरी मार्च का टाइम मिलेगा, फिर वहाँ पे रिवीजन चलेगा, और रोज कम से कम 150 क्वेश्चन करने की कसम खाओ। 150 क्वेश्चन तो मिनिमम करने करने हैं, हो सकता है 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से कर लो, ठीक है 90 में से 45-55 क्वेश्चन जो है मैथ्स और फिजिक्स से करो। एक सिटिंग 3 घंटे की, 3 से 3.5-4 घंटे की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और जिसमें तीनों सब्जेक्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। समझ आ रही है बात जो है? और ये इधर उधर मार्केट में बहुत अजीब अजीब टाइप के सैंपल पर मिलते हैं, इनके क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो भी आपकी आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि रियलिस्टिक बेस पेपर है। हम भी क्या करेंगे, ये जो आपके अभी 6 पेपर हुए हैं, इसके बेस पे नए पैटर्न के पेपर बनाएंगे, आपके ऑनलाइन डालेंगे, और हम कुछ नए मॉक टेस्ट भी CBT फॉर्म में आपके करेंगे। तो ऑलरेडी हम भी आपके लिए कम से कम 10 टेस्ट करेंगे, तो वो भी बहुत सफिशियंट है। बहुत फालतू टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, डे बाय डे बार बार टेस्ट करते रहोगे, स्ट्रेस होते जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है जो मैंने बताया कि 150 क्वेश्चन रोज करने हैं। आई होप मैसेज इज क्लियर फॉर 12th पास स्टूडेंट जो है, ठीक है जी, उनको रोना पड़ना नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा देर सोचते विचारते हो तो एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी बहुत कीमती है, हमें आगे बढ़ना है। किसी को कोई परेशानी होती है, अपने टीचरों से जाके मिलो, ठीक है जी, अपने स्कूल के टीचरों से जाके मिलो, अपने HOD से मिलो, हमारे पास आओ मिलो, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, कोई बात समझ में आया, इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है जी। मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ आप सबको एक बार दोबारा से सारी करेज को इकट्ठा करके, डिटरमिंड माइंड रखे, सिंगल डिटरमिंड माइंड रखे, दोबारा से JEE मेंस के लिए और फर्दर एडवांस के लिए चार्ज हों और तैयारी को दोबारा से शुरू करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।